हाय एवरीवन, स्वाद रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर से बने ये हेल्दी और टेस्टी चिले की रेसिपी। तो ये रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चिले बनाने के लिए हमें ग्राइंडर में डाल देना है एक कटोरी ताजे मटर। मटर में डालेंगे दो कटी हरी मिर्च, दो से तीन पीसेस अदरक के, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और पानी के साथ इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हो हमारे मटर बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। तो ग्राइंड की हुई मटर की पेस्ट को हम निकालेंगे एक बाउल में, और बाउल में निकालने के बाद इस मटर की पेस्ट में हमें डाल देना है 1 कटोरी बेसन, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर और उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालना है। और बाद में डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और बाद में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें मटर के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मटर के पेस्ट में अच्छे से मिक्स किया है। अब इस पेस्ट में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक पतला बैटर बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मटर की वजह से हमारे बैटर को बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आ गया है। और इस चिले में आपको और भी कोई सब्जी ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इस बैटर में मैंने 1/2 ग्लास पानी डालकर यहाँ पर चिले का बैटर तैयार किया है। तो इस बैटर की आप थिकनेस देख सकते हो, हमें ऐसा ही हमारे चिले का बैटर बनाकर तैयार करना है। और बाद में हमारे मटर चिले में थोड़ा सा क्रिस्पीपन आने के लिए इस बैटर में हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये सूजी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो बैटर का थिकनेस एकदम परफेक्ट, हमारा मटर चिले का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इस बैटर के अब हम बनाएंगे मटर चिले। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवे को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम तवे को हमें ऑयल से अच्छे से ग्रेस करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमें तवे के ऊपर हमारा मटर का 2 चम्मच बैटर डालना है और बैटर को हमें चम्मच से इस तरीके से फैलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पर मटर चिला बनकर तैयार है। तो इस मटर चिले को अब हमें ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट बाद ढक्कन को हटा देंगे और चिले की साइड चम्मच से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पर हमारा ये चिला सेक गया है। तो चिले की साइड से हम 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल के ऊपर इस चिले को इस तरीके से घुमाएंगे। अब चिले की दूसरी साइड हमें हाई टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेक लेनी है। 3 मिनट के बाद चिले को फिर से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी साइड से भी यहाँ पर हमारा चिला एकदम परफेक्ट सेक गया है। तो यहाँ पर हमारा मटर चिला दोनों साइड से भी बहुत ही अच्छे से सेक गया है। तो इस चिले को निकाल कर एक प्लेट में रखते हैं और यहाँ पर मैं आपको दूसरा एक चिला बनाकर दिखाती हूँ। दूसरा चिला बनाने से पहले फिर से हमें तवे को ऑयल से ग्रेस करना है और उसके बाद हम तवे के ऊपर मटर का 2 चम्मच बैटर डाल देंगे और बैटर को हम चम्मच से अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा चिला बन जाता है। अब इस चिले को हम लो फ्लेम पर ढककर 3 मिनट तक सेक लेंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और चिले की साइड हम चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूसरा चिला ही बहुत ही अच्छे से सेक गया है। तो यहाँ पर हम फिर से 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और चिले को ऑयल के ऊपर इस तरीके से घुमाएंगे और चिले को फिर से 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। 3 मिनट के बाद चिले की साइड चेंज करेंगे तो दूसरे साइड से भी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चिला बहुत ही अच्छे से सेक गया है। तो इस मटर चिले को अब हम निकालेंगे और यहाँ पर मैंने सेम प्रोसीजर से 2 से 3 मटर चिले बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हो हमारे मटर चिले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन गर्मा गर्म मटर चिले को आप आपके मन चाहे चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चिला तोड़कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे यहाँ पर हमारे मटर चिले बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी ये मटर चिले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो फिर से मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।